सामुदायिक किचन सेट प्रभारी इन्हें शिक्षक जो है यहाँ पे उनको बनाया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि व्यवस्था पे लोग काफ़ी अंकुश लगा हैं, काफ़ी सवाल किए हैं कि कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो ये बताएं सर, आपका नाम क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र दास है, मैं शिक्षक हूँ और प्रखंड प्रशासन मसरक द्वारा मुझे यहाँ सहायक कर्मी के रूप में बा राहत कैंप नागेश्वर उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज बहादुरपुर के इस प्रांगण में, जो कलपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के बाढ़ पीड़ित लोग ठहरे हुए हैं अपना घर बार छोड़कर, उनके लिए सामुदायिक किचन सेंटर का संचालन किया जा रहा है जो प्रखंड प्रशासन की देखरेख में है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय जो मुन्ना राय हैं उनके द्वारा जो है अपने क्रेडिट पर यहाँ पर सभी राशन सामग्रियों का उठाव करके यहाँ पर जो है नियमित रूप से जो है सुबह और शाम लगभग 450 बाढ़ पीड़ित लोग यहाँ सुबह शाम भोजन कर रहे हैं, चावल दाल सब्जी। ये बताएं जो कि एक और शिक्षक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये बताएं कि लोग जो है बोल रहे हैं तिरपाल नहीं मिला है, बहुत सारे जो है लोगों के जरूरतमंदा की चीज़ें जो उपलब्ध होना चाहिए जो नहीं हुआ है, तो इसके प्रति आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस विकट घड़ी में हमारे इस राहत शिविर कैंप में पहुँचे हुए हैं। जहाँ तक आपने तिरपाल की बात कही है, अक्षरशः सही है कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को कोई भी तिरपाल नहीं मिला है, ना ब्लीचिंग पाउडर मिला है, ना यहाँ कोई सैनिटाइजर या हैंड वॉश का व्यवस्था किया गया है। जबकि सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना वायरस से आज हमारा देश जूझ रहा है, फिर भी यहाँ न सैनिटाइजर न मास्क न इसका कोई वितरण नहीं किया गया है। जहाँ तक खाना पीना का सवाल है, तो खाना पीना नियमित रूप से यहाँ संचालित किया जा रहा है। हमारे केंद्र संचालक रंजीत कुमार राय उर्फ मुन्ना राय जी हैं जो अपने क्रेडिट पर ही सामान का उठाव कर नियमित रूप से सुबह और शाम केंद्र का संचालन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी कर्मी श्री धर्मेंद्र दास जी ने आपको बताया कि यहाँ 450 लगभग सुबह और 450 लगभग शाम में, यानी 900 लोग भोजन कर रहे हैं, यह अक्षरशः सही बात है जी। यहाँ पे पशु भी बहुत सारे यहाँ पे हैं जो है, इनके प्रति क्या है, किस हिसाब से चल रहे हैं? इनके प्रति कोई व्यवस्था नहीं है, न चारा का व्यवस्था है, न इनके लिए तिरपाल का व्यवस्था है। धूप और छांव पानी में ये भींग रहे हैं, धूप में धूप सह रहे हैं, यही स्थिति यहाँ बनी हुई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ आज तक कोई तिरपाल का व्यवस्था नहीं कराया गया है, न प्रशासन के द्वारा यहाँ कोई धरातलीय निरीक्षण अब तक किया गया है। हम दोनों आदमी सहायक कर्मी के रूप में हैं, हमारे केंद्र संचालक श्री मुन्ना राय जी हैं, हमारे केंद्र प्रभारी श्री उज्जवल जी ग्रामीण आवास सहायक हैं, और हमारे राशि के लिए जो प्राधिकृत पदाधिकारी हैं पंचायत सचिव श्री रविंद्रनाथ जी, उनके द्वारा भी आज तक मेरे इस केंद्र का धरातलीय निरीक्षण नहीं किया गया है। नोडल पदाधिकारी राजीव रंजन जी हैं जो आते हैं निरीक्षण करते हैं, उनसे हम लोग कंप्लेन किए कि भाई आप इसकी सूचना वहाँ तक पहुँचाइए प्रखंड स्तर पर। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी सूचना वहाँ तक प्रखंड कंट्रोल रूम में दूंगा। आपको बता दें कि जो है कर्पूरा पंचायत बहादुरपुर हाई स्कूल पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आप देखें तमाम तरीके से लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं इस बार पीड़ित में, कि जो कि लोग घर भी जिनका डूब चुका है वो भी यहाँ पे आए हैं। आपको ये बता दें कि अभी प्रभारी जी लोग से बात हुआ कि सरकार के तरफ से कोई जो सुविधा मिलना चाहिए जिनको यहाँ पे जरूरत मौदे की चीज़ें जो है यहाँ के लोगों के लिए आम जनता के लिए वो अब तक मुहैया नहीं कराई गई है, लेकिन जो है सामुदायिक किचन सेट जो की व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है, लोग यहाँ पे खा रहे हैं। कोलपुरा पंचायत मसरक से संत कुमार गोस्वामी की। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।